आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब है कि गॉस के नियम को हम व्यवहार में किस प्रकार से उसको काम में लेकर आ सकते हैं, उसको हम कहां कहां पे लागू कर सकते हैं। ठीक है, इसी श्रृंखला में अपना जो पहला अनुप्रयोग है वो है अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। किसके कारण? अनंत रेखीय आवेश के कारण। अब अनंत रेखीय आवेश क्या है? रेखीय का नाम आते ही हम समझेंगे एक धागे की भांति, एक तार की भांति, और अनंत है तो इसका मतलब क्या? बहुत लंबा है। और वो भी क्या है आपके पास में, मान लेते हैं कि हमारे पास में एक तार है, एक बहुत लंबा तार है, अनंत लंबाई का तार है, लेकिन तार क्या है? आवेशित है। तो उस आवेशित तार के कारण उसके अगल बगल में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। अब एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, अतः हमें उसकी दिशा भी पता होनी चाहिए। चलो देखते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। पहले हमें अनंत लंबाई का एक तार लेते हैं, ऊपर डैश डैश और नीचे भी डैश डैश। ये डैश डैश और ये डैश डैश क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि ये तार है वो अनंत लंबाई का है, ये आवेशित है। तो आवेशित कैसे माने, भी कैसे पता चलेगा कि आवेशित है? इसलिए हमें इस पर संकेत दिखाना पड़ेगा। इस प्रकार से मैं प्लस प्लस पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? ये तार धन आवेश से आवेशित है। अब आप सोचें कि धन आवेश से आवेशित किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी? तो इसका आंसर यही है कि आवेश से दूर की ओर। अब हम इस तार पर एक मध्य बिंदु ले लेते हैं, या तार का कोई भी एक मूल बिंदु मान लेते हैं कि ये एक तार का मूल बिंदु O है। इस तार से समान दूरी पर दो अल्पांश ले लेते हैं इस बिंदु के दोनों ओर, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, यानी कि इतनी दूरी है तो इतनी दूरी यहां पर नीचे की तरफ। लंबाई अल्पांश बराबर है, इसको भी डीएल, इसको भी क्या नाम दे रहा हूं? डीएल। अब सबसे पहले दिशा ज्ञात करने के लिए हमें इस मध्य बिंदु से कोई एक पॉइंट निर्धारित करते हैं, इससे लंबवत दूरी पर, इस मध्य बिंदु ओ से या मूल बिंदु ओ से लंब दूरी पर एक पॉइंट निर्धारित करते हैं। यहां पर एक पॉइंट मान लेते हैं और यह पॉइंट हम मान लेते हैं कि इस बिंदु ओ से आर दूरी पर है। ठीक, अब इसके पैरेलल यानी कि इसके समांतर यहां पे एक लाइन खींच रहे हैं और इस लाइन को थोड़ा थोड़ा करके मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अब यहां पर ये जो लंबाई अल्पांश है इसको नाम दे दीजिए आप ए, यहां पे जो लंबाई अल्पांश है इसको नाम दे दीजिए बी। इस अल्पांश ए के कारण यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं पी। इस लंबाई अल्पांश ए के कारण जिसकी लंबाई डीएल है, इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा तो वो मान लेते हैं DE1। तो इसके मध्य बिंदु से हम एक लाइन खींचे, यहां पर विद्युत क्षेत्र कितना है? DE। और यहां पर उसकी दिशा किधर होगी? इस आवेश से दूर की ओर। तो इस आवेश से दूर की ओर, तो तीर का चिन्ह किधर लगाना पड़ेगा? इधर। कितना विद्युत क्षेत्र है यहां पर? DE। तो लिख दिया DE। यदि ये वाला एंगल हम मान लें कि थीटा बन रहा है तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा? थीटा। कौन सा कोण है ये? जिसका अभिमुख कोण। इसी प्रकार से इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की ओर होगी और विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा? इतना ही होगा। क्यों? क्यों होगा इतना ही? क्योंकि ये अल्पांश बिंदु P से जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर यह वाला अल्पांश है, दूरी समान है, आवेश का मान भी दोनों अल्पांशों पर, दोनों समान अल्पांश है, दोनों पर आवेश का मान भी क्या होगा? एक समान होगा। ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ये लंबाई है उतनी लंबाई ये है। क्यों? क्योंकि हमने बोला था कि ये वाली इस बिंदु O से समान दूरी पर दो अल्पांश ले रहे हैं, ये दोनों समान दूरी है, ये दूरी दोनों में कॉमन है, ये दूरी भी फिर क्या हो जाएगी? बराबर। इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो इनके ये वाला एंगल थीटा है तो इसका ये वाला एंगल भी थीटा होगा।
ये वाला एंगल थीटा है तो इसका ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब हमारे पास में दो विद्युत क्षेत्र आ गए, लाइन सीधी है क्या, इसको भी देख रहा हूं, ये लाइन सीधी है अभी बिल्कुल, ये लाइन बिल्कुल सीधी है, आपको तिरछी दिख रही है तो आप इसको सीधी खींचेंगे। अब यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा एक सदिश राशि है तो वेक्टर का संकेत लगाएं। अब इसके घटक लीजिए, इसके कंपोनेंट लीजिए डीई के, और इस डीई के कंपोनेंट लीजिए, कंपोनेंट लेना शॉर्टकट में हम देखें, जिधर थीटा होता है उधर कॉस थीटा, अपोजिट साइन थीटा, ये आपने 11th क्लास में भली भांति पढ़ लिया है। तो इसका घटक डीई का इधर घटक क्या हो जाएगा, जिधर थीटा है उधर कॉस थीटा, तो डीई कॉस थीटा, इसके अपोजिट घटक डीई साइन थीटा। अब इसके घटक लीजिए, इसको इसके लाइन में लेकर आएंगे, इसके परपेंडिकुलर लेके आएंगे, तो इधर इसका ये वाला घटक थीटा है, इधर ये थीटा है, तो इसका ये वाला घटक क्या हो गया डीई कॉस थीटा, और इसका इधर इधर थीटा नहीं है तो कौन सा घटक हो गया साइन थीटा, तो डीई साइन थीटा। अब एक चीज देखिए आप, बिंदु पी पर, बिंदु पी पर दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं देखें, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये दो अप्लाई हो रही है। अब दोनों की अप्लाई हो तो वो देखिए आप, डीई साइन थीटा और डीई साइन थीटा, तो इसका परिमाण इसके परिमाण के बराबर है, बट दोनों की दिशा, इसकी दिशा देखें, तीर का साइन ऊपर की ओर और इसका नीचे की ओर, तो दिशा एक दूसरे के विपरीत है, अतः ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। फिर यहां बिंदु पी पर ये वाले दो घटक बच गए, इसकी डायरेक्शन इधर है, इस घटक की भी डायरेक्शन इधर है, दोनों घटकों की डायरेक्शन सेम है, तो सेम होने के कारण अब परिणामी जो विद्युत क्षेत्र बचेगा, अब ये नहीं है, इसको तो हमने डिवाइड कर दिया, इन दोनों को तो डिवाइड कर दिया इधर और इधर, ठीक है, तो अब जो ये इसको कैंसिल कर दिया, बचा कौन, ये डी कॉस थीटा और डी कॉस थीटा घटक, ये दोनों बच गए, ठीक है। अतः बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस तार से लंबवत बाहर की ओर होगी। तो हम ज्ञात क्या करना चाह रहे थे इस डायग्राम में, इतने टाइम दिशा ज्ञात करना चाह रहे थे, किसकी ज्ञात करना चाह रहे थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करना चाह रहे थे, यानी ई की दिशा ज्ञात करना चाह रहे थे। तो इसकी दिशा किधर है वो आप नीचे लिखेंगे, तो पहले तो आप ये लाइन लिखने, आपको चित्र अनुसार जो मैं बोल रहा हूं वो आपको लिखना है, लिखना नहीं हो तो आप समझ लीजिए एक बार, ठीक है, बट एग्जाम में आता है तो आप इसकी डायरेक्शन ज्ञात करनी है तो आपको लिखना पड़ेगा। क्या चित्र अनुसार एक अनंत लंबाई का तार लेते हैं, उस तार पर एक मूल बिंदु ओ इंगित करते हैं, मूल बिंदु ओ के दोनों ओर, मूल बिंदु ओ के दोनों ओर समान दूरी पर समान लंबाई अल्पांश डीएल लेते हैं, फिर डीएल के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डी वन है, और बिंदु बी के कारण भी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, डीई है। अब हम डी, अब इनको घटकों में विभाजित करते हैं, तो घटकों में विभाजित करने पर घटक डीई साइन थीटा व डीई साइन थीटा परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और घटक डीई कॉस थीटा व डीई कॉस थीटा दोनों की दिशा सेम है, दिशा सेम होने के कारण ये दोनों जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तार से लंबवत बाहर की ओर होगी। बाहर की ओर कैसे पता चल रहा है, ये एरो साइन। इतनी बातें आपको यहाँ पर इस डायग्राम के नीचे लिखनी है, ठीक है। दिशा ज्ञात कर लिया, दिशा ज्ञात करने के पश्चात इस बिंदु पी पर हमें क्या करना है, परिमाण ज्ञात करना है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की माप कितनी होगी, परिमाण कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो परिमाण ज्ञात करने के लिए ए का परिमाण ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना, तो हमारे पास में ये तार है, जावे सीधा जो हमारे पास में अनंत लंबाई का तार था उसका कुछ भाग लेते हैं, और इस पर एक हम बेलनाकार गाउसी प्रेस की कल्पना कर लेते हैं, इस पर एक बेलनाकार गाउसी प्रेस की कल्पना कर लेते हैं,
ये तार है आपका आवेशी तार, इस पर जो बेलनाकार गॉस स्ट्रिप की कल्पना करते हैं उसकी लंबाई हम मान लेते हैं एल। ठीक है, और इस गॉस स्ट्रिप के अंदर जितना तार है उस तार पर उपस्थित आवेश, ये मेन चीज है, इस तार पर उपस्थित आवेश वो हम मान लेते हैं क्यू। और इसकी त्रिज्या मान लीजिए आप आर मानो तो दिक्कत नहीं है। बेलनाकार गॉस स्ट्रिप की कल्पना करते हैं, तो बेलनाकार गॉस स्ट्रिप की कल्पना करते हैं और जिसकी लंबाई कितनी होगी एल होगी, एल क्या है गॉस स्ट्रिप की लंबाई, और क्यू, क्यू क्या है इस गॉस स्ट्रिप में उपस्थित आवेश, क्यू क्या है गॉस स्ट्रिप, क्यू क्या है गॉस स्ट्रिप में उपस्थित आवेश। अब देखिए जो आवेश का वितरण है ये क्या है रेखीय है, क्यों एक रेखा के रूप में है, तो रेखीय आवेश घनत्व को हम लिखते हैं लेमड़ा से, तो रेखीय आवेश घनत्व लेमड़ा इज इक्वल्स टू, यानी कि कुल आवेश बटा कुल लंबाई, यानी कि इतने से भाग में कुल आवेश कितना है, तो इसका आंसर है क्यू। और इस आवेश की इस आवेश तार की लंबाई है वो कितनी है एल। ठीक है, परंतु रेखीय आवेश घनत्व से रेखीय आवेश घनत्व लेमड़ा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, तो क्यू इज इक्वल टू लेमड़ा है इक्वेशन वन। गॉस प्रमेय, गॉस के नियम में गॉस प्रमेय आपने याद की होगी, और गॉस प्रमेय का सूत्र क्या है आप सोचकर देखेंगे आपको पता है क्या, नहीं पता तो देख लीजिए। गॉस प्रमेय से क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये है गॉस प्रमेय। ठीक है, तो गॉस प्रमेय से आपने ये लिख दिया, सूत्र लिख दिया, यानी कि गॉस प्रमेय ये वाला सूत्र था, आप ध्यान में रखें फाई ई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट हम जानते हैं कि पहले आपने विद्युत फ्लक्स पढ़ा था, तो विद्युत फ्लक्स फाई ई, तो विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है बंद, किसी बंद पृष्ठ के लिए, तो क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा, ये क्या है क्लोज इंटीग्रेशन है, तो इस फाई ई, इस फाई ई की जगह मैंने मान कौन सा रख दिया क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा, इसको बराबर रख दिया, और ये मैं यहां पर सीधा डायरेक्ट इस प्रकार से यूज कर रहा हूं। हमारा मकसद क्या है विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना, कहने का मतलब है हम टारगेट किसको करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को करेंगे, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन है ई है, तो हमारा जो टारगेट होगा वो किसको होगा सीधा सीधा ई पर होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर अब ये बंद पृष्ठ के लिए है, क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब है बंद पृष्ठ के लिए है। अब यदि हम गॉस स्ट्रिप के तीन भाग कर लें, तीन भाग का मतलब है जैसे मेरे पास में एक चौक है, ये बेलनाकार है, ठीक है, अब देखिए ये एक वृत्ताकार भाग है, ये दूसरा वृत्ताकार भाग है, और ये इसका क्या है वक्राकार भाग, तो कितने भाग हो गए तीन भाग। इस वृत्ताकार भाग को काट कर अलग करें, इसको अलग करें, ठीक है, फिर एक बीच में और बच गया, तो इस प्रकार से तीन भाग हो सकते हैं। तो गॉस स्ट्रिप को तीन भागों में बांटने पर, तो गॉस स्ट्रिप को तीन भागों में बांटने पर गॉस स्ट्रिप को तीन भागों में बांटने पर, तो तीन भाग कौन कौन से हो गए, एक भाग ये मान लें, दूसरा भाग ये मान लें, और तीसरा भाग वक्राकार भाग मान लें। ठीक है, तो S1 व S2 ये तो वृत्ताकार भाग हो गए, और S3 क्या हो गया वक्राकार भाग। ठीक है, अब इस स्टेप को हम तीन बार लिख सकते हैं, तो एक बार इसको तीन बार लिखने पर, यानी कि क्लोज इंटीग्रेशन को अब इन तीनों को मैं अलग अलग भी, इसको इसको और वक्राकार को, इन तीनों को अलग अलग कर दूं, और तीनों को फिर अलग अलग करके फिर तीनों को पुनः जोड़ दूं, तो पुनः एक बेलन बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है ये और ये तीनों भाग सम्मिलित हैं, किसमें, इस क्लोज इंटीग्रेशन में। ठीक है, अतः
इस इक्वेशन को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं, कैसे? इंटीग्रेशन एस वन पृष्ठ के लिए ई डी ए कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन एस टू ई डी ए कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन एस थ्री ई डी ए कोस थीटा और फिर बराबर क्या है, फिर बराबर क्या है, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब यहां पर थीटा 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 ये थीटा थीटा के मान हमें यहां से याद करने हैं। अब थीटा क्या है, यहां पर ई और डीए के मध्य बना कोण, थीटा क्या है ई और डीए के मध्य बना कोण। तो अब यहां पर इस भाग पर इस भाग पर इस भाग पर डी ए और ई के मध्य बना कोण कितना है वो हमें चेक करना है। तो डायग्राम को देखें, आपने वक्राकार भाग है, वक्राकार भाग पर हमको छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश यहां पर ले लेते हैं, इसका क्षेत्रफल डी ए है, इसको मैं दे देता हूं एस थ्री। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखें, यहां पर देखें आवेश से इस आवेश तार से बाहर की ओर, तो दिशा इस आवेश तार से बाहर की ओर, तो यह क्या हो गया ई सदिश। और यहां पर डी ए क्षेत्रफल सदिश, वो भी यहां पर लंब डालेंगे तो वो लाइन भी इधर ही जाएगी, तो ये आपका डी ए डी ए। तो डी ए सदिश ई सदिश और डी ए सदिश इन दोनों का जो मान है इन, ठीक है, और डी ए और ई सदिश इन दोनों के मध्य बना कोण थीटा, यहां पर थीटा जी गुस्सू कितना है जीरो डिग्री। डी ए और ई दोनों के आई के लाइन पर है तो थीटा जी गुस्सू कितना हो गया जीरो डिग्री, ठीक है। इसको आपने एस थ्री पृष्ठ मान लिया, इसको आप एस वन मान लीजिए और इसको एस टू पृष्ठ मान लीजिए। अब यहां पर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है, तार से लंबवत भार की ओर, तो ये हो गया आपका ए सदिश। और इस पर हम क्षेत्रफल सदिश, यानी कि इस पर हम क्षेत्रफल सदिश का मतलब है इस पृष्ठ पर हम एक काल्पनिक रेखा खींचे तो किधर डलेगी जो इस पृष्ठ के लंबवत हो, ऊपर की ओर। तो यहां पर क्षेत्रफल सदिश डी ए सदिश, डी ए सदिश वो क्या हो गया ऊपर की ओर, इन दोनों के मध्य बना कोण यानी ई सदिश और डी ए सदिश इन दोनों के मध्य बना कोण थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। इसी प्रकार से यहाँ एस टू पृष्ठ के लिए, तो एस टू पृष्ठ के लिए ई सदिश ये और डी ए सदिश ये, डी ए सदिश ये और इन दोनों के मध्य बना कोण थीटा इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। अब यहां पर हम ये इंडिकेट लिख सकते हैं कि यहां पर एस वन पृष्ठ के लिए थीटा, एस वन पृष्ठ के लिए थीटा इज इक्वल टू कितना है तो 90 डिग्री, इसके लिए भी थीटा इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। इसको थोड़ा सा एरेज कर रहा हूं, और इस पृष्ठ के लिए भी थीटा इज इक्वल टू कितना है एस थ्री के लिए, एस थ्री के लिए कितना है एस जीरो डिग्री, ये मैं आगे लिख रहा हूं समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, एस वन पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन एस वन ई डी ए थीटा की जगह कितना रखना है जीरो डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन एस टू पृष्ठ के लिए ई डी ए थीटा की जगह कितना लिखना 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन एस थ्री पृष्ठ के लिए, एस थ्री पृष्ठ के लिए ई डी ए कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू ये क्या है समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात और है, यहां पर समेशन क्यू का मान कितना है लिमिट आया है इक्वेशन एक से, तो समीकरण एक से हम मान रख सकते हैं इस कोस 90 का मान कितना होता है भाई, कितना होता है बता, नहीं बता ना, जीरो डिग्री, कितना होता है कोस 90 का मान जीरो, इसका भी जीरो और इसका कितना हो गया ए, तो क्या हो गया ये जीरो प्लस ये इसका मान ए, तो ये हो गया इंटीग्रेशन एस थ्री ई डी ए इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर इसको समीकरण तीन की साइड, समीकरण ए की सहायता से लिख सकते हैं, समीकरण एक से जोड़ो भाई ए इंटीग्रेशन एस थ्री डी ए इज इक्वल टू समेशन क्यू, यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं समीकरण एक से समेशन क्यू इज इक्वल टू कितना है क्यू और क्यू का मान कितना है लेमडा एल, ठीक है। तो समेशन क्यू की जगह हम कितना लिख सकते हैं लेमडा एल। अब समेशन क्यू इज इक्वल टू क्यू क्यू, यहां पर हमारे पास जो गाउसीय पृष्ठ है तो गाउसीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश को हम किससे लिख रहे हैं समेशन क्यू से, और तो समेशन क्यू का मान हमने कितना मान लिया था
कि इस पृष्ठ के भीतर कितना आवेश है, कुल आवेश कितना है, Q है, ठीक है, लेमड़ा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर इंटीग्रेशन डी ए, इंटीग्रेशन डी ए और नीचे लिखा हुआ एस थ्री, ये किसके लिए है, इंटीग्रेशन एस थ्री डी ए। इसका मतलब है ये जो आपको वक्राकार भाग दिख रहा है, इस वक्राकार भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, इंटीग्रेशन मतलब कुल, डीए का मतलब क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल किसका, एस थ्री का, तो इस वक्राकार भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, इसके लिए सूत्र है एस थ्री डी ए इज इक्वल टू टू पाई आर एल, टू पाई आर एल, ठीक है, तो टू पाई आर एल। अब यहां पर टू पाई आर एल इसकी जगह हम कितना मान लिख दें, टू पाई आर एल, तो रख दें इसकी जगह मान रखें, तो ई ए इज इक्वल टू, पहले इधर ही लिख दो इसको एक बार, टू पाई आर एल इज इक्वल टू लेमड़ा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एल से एल तो क्या हो गया, कैंसिल, टू पाई आर को मैं इधर लेके जाऊं तो ये बच गया ई, ई इज इक्वल टू ऊपर लेमड़ा, एल से एल कट गया भाई, नीचे कितना, टू पाई आर और ये एप्सिलॉन नॉट। अब हमेशा हमें पता है कि एक हमारे पास में के के नियतांक है, तो इसका मान कितना था, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि बट्टे में जो टू पाई एप्सिलॉन नॉट है इसका एक जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कितना है, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमेशा ये आर है हम बाद में लिखेंगे, ठीक है, और एप्सिलॉन को पाई के साथ में लिखेंगे, तो कितना हो गया ई, ई इज इक्वल टू लेमड़ा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट। ये यदि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, 2 से यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो यहां मैं इसको यहां लिख रहा हूं, नीचे दिखे ना, इसको मैं यहां लिख रहा हूं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर, तो e, तो e इज इक्वल टू 2 लेमड़ा अपॉन 4 पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर यह आर लिखना हम भूल गए, तो ये आर भी लिख दीजिए, और यहां पर भी ये आर, ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा रिडेंस करके ऐसे लिख दें, ए इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और टू लेमड़ा अपॉन आर, ठीक है। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी प्राप्त हुई, किसके कारण, एक आवेशित अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण या आवेशित तार के कारण। अब यहां पर एक चीज और, ये वाले इस वाले फॉर्मूले पर चर्चा करते हैं, ये वाला फॉर्मूला कैसे है, कैसे आया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में कोई एक बेलनाकार पृष्ठ है, पेन है मेरे पास में, ठीक है, पेन है। अब इसका पेन की जो ऊपर वाली जो ये परिधि है वो कितनी होगी, यदि इसकी हम त्रिज्या स्मॉल आर मान ले, ठीक है, तो इसकी परिधि कितनी होगी, टू पाई आर, कितनी होगी, टू पाई आर, लंबाई कितनी है, एल। अब इसको मैं यहां से ब्लेड से इसको ऐसे चीरा लगा दू, इसके चीरा लगा के फिर इसको ऐसे फ्लेट बना लू ऐसे, तो क्या बन जाएगी ये वाली आकृति, इसको यहां से काट कर ऐसे करूं मैं, तो ये क्या बन गया, एक इस प्रकार से बन गया, आयत बन जाएगा। ऊपर वाली जो इसकी परिधि थी वो कितनी है, टू पाई आर, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, टू पाई आर, और इसकी लंबाई कितनी है, एल। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा लंबाई, तो चौड़ाई कितनी, टू पाई आर, गुणा इसकी लंबाई कितनी, एल, तो इसका पूरे का क्षेत्रफल कितना हो गया, टू पाई आर एल, तो कितना हो गया, टू पाई आर एल। अब देखिए यहां पर ई और आर के बीच में ग्राफ खींचना, हमें ई व आर के बीच में क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए देखें आप जल्दी से, ई व आर में ग्राफ, ई और ये आर। अब यहां पर देखें ग्राफ खींचने से पहले हमें देखना है संबंध क्या है इन दोनों के मध्य, ई और आर में संबंध क्या है, ई इधर आर के नीचे, तो ये किसमें है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो क्या हो गया, ई और आर में संबंध, ई समानुपाती वन अपॉन आर, ई समानुपाती वन अपॉन आर, और वन अपॉन आर है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। फिर यदि हम देखें ई व सिग्मा में, ई व लेमड़ा में, सॉरी ई व लेमड़ा में संबंध या ग्राफ, ई व लेमड़ा में ग्राफ, तो ई आपका ये और लेमड़ा इधर लिख लेते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है, समानुपाती, ई समानुपाती लेमड़ा, तो समानुपाती का ग्राफ कैसे चलता है, ऐसे।
यानी कि हम आवेश के घनत्व को बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग का दूसरा पॉइंट क्या है अपना, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।